हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक क्वेश्चन। फाइंड के इफ एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² प्लस kx प्लस 6। इस क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू बतानी है और हमें एक चीज गिवन है कि जो x प्लस 3 है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। बच्चे इस क्वेश्चन में ना हमें रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, कोई भी किसी का फैक्टर या मल्टीपल या एग्जैक्टली डिविजिबल इस तरह की कंडीशन दे रखी होती है उस टाइम उसका मतलब ये हो जाता है कि रिमाइंडर जीरो होगा। यहां पे x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का फैक्टर गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ, जब इस पॉलिनोमियल को x प्लस 3 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर जीरो ही तो आएगा, तभी तो इसका फैक्टर माना गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके बताता हूं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। यहां मैंने लिख दिया 5 इज अ फैक्टर ऑफ 20। 5 20 का फैक्टर है। अब एक बार चेक करो 20 के फैक्टर्स करो, 2 × 2 × 5। यस, ये तो कंफर्म हो गया कि 5 20 का फैक्टर है ना। अब जब मैं 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आपके अकॉर्डिंग रिमाइंडर कितना आएगा इसका, 5 × 4 = 20। रिमाइंडर कितना आया, जीरो। बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है। एक्स प्लस 3 इसका फैक्टर गिवन है, इसका मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। अब करना कैसे है, प्रेजेंटेशन क्या होगी वो ध्यान से समझना आप, ठीक है। आपको ये चीज तो क्लियर हो गई, ऐसे कभी भी आपको फैक्टर गिवन हो, मल्टीपल या डिविजिबल या एग्जैक्टली डिविजिबल, सबके लिए सेम स्टेप्स ही यूज होंगे जो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा यहां पे, ठीक है। तो x प्लस 3 को सबसे पहले हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, यहां से x की वैल्यू आ गई -3। इस -3 को पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल के अंदर। ये पॉलिनोमियल है px = 3x² + kx + 6, ठीक है। अब x की जगह पुट किया जाएगा -3। अब इसके बाद बच्चे पहले ना ये स्क्वायर ओपन कर लेंगे माइनस थ्री का स्क्वायर होता है +9, क्योंकि नेगेटिव नंबर की जब इवन पावर हो तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 × 3 = 27। -3 × k - 3k +6, 27 + 6 हो जाएगा 33 -3k। ये जो पूरा हमने यहां पे किया ना, ये रिमाइंडर थ्योरम का यूज किया मैंने यहां पे, ठीक है। यहां से लेके इस वाले स्टेप तक क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम। ये जो निकल के आया ना, ये रिमाइंडर आया। अब आप कहोगे सर आपने तो यहां पे बताया था कि रिमाइंडर जीरो आता है जब कोई किसी का फैक्टर हो या मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, तो ये जो रिमाइंडर आया बच्चे इसको जीरो के साथ इक्वेट करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली जीरो ही है। आपको दिख नहीं रहा ना, मुझे दिख रहा है यहां पे एक्चुअल में, क्योंकि ये के की टर्म्स में आया, तो इसलिए यहां पे क्या करेंगे इसको जीरो के साथ इक्वेट कर देंगे। देन जो सॉल्व होके वैल्यू आएगी के की वो इसका आंसर होगा, ठीक है। तो यहां पे एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, एज एक्स प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ पीएक्स। पीएक्स का मतलब पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो ये फैक्टर है, तो ये जो रिमाइंडर आया 33 - 3 के, ये इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, ठीक है। तो यहां से k की वैल्यू आ जाएगी -3k, वहां जाके हो जाएगा +3k, 33 अपने प्लेस पे, 3 × 11 = 33, k की वैल्यू आ गई 11। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एक बार आप इसकी रिटर्न प्रैक्टिस जरूर करें, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन में ना आपको रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना होता है। यहां रख तो रिमाइंडर थ्योरम का यूज हो गया। अब चाहे क्वेश्चन में फैक्टर लिखा हो, मल्टीपल हो, डिविजिबल हो, एग्जैक्टली डिविजिबल, कुछ भी हो, जो भी रिमाइंडर आएगा उसमें ये के या पी इस तरह की जो वैल्यूज पूछी गई होंगी ना, वो यहां पे जरूर होंगी। देन आपने क्या करना है, इस रिमाइंडर को जीरो के साथ इक्वेट करना है, क्योंकि ये इसका फैक्टर गिवन था, इसलिए रिमाइंडर जीरो होगा, इसलिए इसको हमने जीरो के साथ इक्वेट किया। देन सॉल्व करके के की वैल्यू निकाल ली, ओके।